हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे मुझे पता है। और गाइस, इंडियन ब्लॉगर हनी सिंह के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। गाइस, अभी बज रहे लगभग 7:30। बाथरूम से ही ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा। अब गाइस, मेरा चेहरे पे मैंने अभी जस्ट प्लेन वाटर से फेस वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने इसमें एलोवेरा जेल लगा रही हूँ अभी खड़े होकर, क्योंकि मैं डेली लगाती हूँ ना, तो मेरी स्किन उससे अच्छी रहती है, तो मेरी हैबिट है। ऐसे देखिए, उठो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये उठ ही नहीं रहा है। बात तो एक काम कर, तू किचन में जा, जो कुछ देख इसके लिए, टिफिन के लिए। मैं करता हूँ, इसको जगाता हूँ। बेटो उठो, उठो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, अरे 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 अरे, मेरे ऊपर गिर गया, मेरे ऊपर गिर गया। अरे गुड मॉर्निंग कर लो भाई, गुड मॉर्निंग कर लो। अरे पता छूट के लिए देखो हम जल्दी जल्दी। 8:30 हो गया? नहीं अभी 8:30 नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 9:00 हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पानी डालो, पानी डालो, पानी लेके आ रहा हूँ, पानी लेके आ रहा हूँ, पानी डालो, पानी डालो। देखो आज मम्मा ने मॉर्निंग ब्लॉग शूट किया है। मॉर्निंग में सबको सबको उठ के बोलो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, मुझे नींद आ रही है। बोलो बोलो, मुझे नींद आ रही है, डैडी मुझे जबरदस्ती जगा रहे हैं स्कूल के लिए। बोलो बोलो, मुझे स्कूल के लिए उठना है। देखो बोलो बोलो बोलो। गाइस, आज बेटू थोड़े लेट हो रहे थे और मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी, मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा इनके लिए फ्रेंच फ्राइज बना देती हूँ। तो इनके वो मकेन वाले फ्रेंच फ्राइज तो हो गए थे ख़त्म, तो मैंने कहा क्या एक काम करते हैं, आलू नए वाले आलू ये खरीद के लाए थे कल, तो वो उसी से हम लोग फ्रेंच फ्राइज घर पर बना लेते हैं। तो गाइस, मैंने उनको पतला पतला काटा और ऑयल में ऐसे ही उनको वॉश करके फ्राई कर दिया, क्योंकि बेटू को तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं, उसके लिए तो बस फ्रेंच फ्राइज होने चाहिए चाहे कैसे भी हो। और गाइस अच्छे बन गए थे, खोल के आप इस तरीके से हल्के से को फुल गैस पे फ्राई करिए, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए जैसे ही, वैसे ही निकाल लीजिए। थोड़ा नमक और थोड़ा मिर्च मैंने उस पर डाल के हल्का मिक्स कर दिया है और उनके टिफ़िन में रख दिया है और उनके सॉस भी रख दिया है उसमें। और ये तब तक हन्नू हो गई थी इनकी, इनके डैडी ने कहा लाओ मैं पोंछ देता हूँ इसको। अरे ले भाई रिमोट, रिमोट चाहिए सुबह सुबह इसको। सुबह सुबह की गाइस यही ड्यूटी होती है, सुबह इनको इनके बॉटल वॉटल भरने पड़ते हैं, इनके बैग में रख देते हैं। और गाइस मेरा बेटा मॉन्टेसरी में है ना, तो उसमें उसका ऐसे ही वाले क्लोथ्स चलते हैं, मतलब नॉर्मल कैजुअल क्लोथ्स चलते हैं, कोई पर्टिकुलर ड्रेस नहीं है। तो मैंने उनको जब डेजर्ट टिफ़िन दिखाया ना कि क्या है उसके अंदर, तो बड़े खुश हो गए, उछल पड़े, तो मुझे हंसी आ गई। गाइस मैंने उनको बाय बाय करी, उनके डैडी ने कहा मैया छू लिए मम्मा के, तो उनको याद आ गई, बोले अरे नहीं भूल गया था, तो उन्होंने अभी मैया छूए, हमने उनको बहुत बड़ा कर दिया। चलिए गाइस काम कर लेते हैं। गाइस अभी तो ये इनके डैडी गए इनको स्कूल छोड़ने, तब तक मैंने कहा इनके डैडी के लिए ब्रेकफास्ट बना देते हैं। और गाइस मेरे को याद ही नहीं रहा उसमें मूंगफली डालना, मैंने कहा पोहा बनाना है, पोहा में तो मूंगफली पड़ती है, और वो मूंगफली स्टार्टिंग में याद नहीं रही फ्राई करने के लिए, तो मैंने प्याज ये सब डाल दिया था, कड़ी पत्ता वगैरह सारे मसाले वगैरह डाल दिए, तब मुझे याद आई कि कुछ मिस कर दिया मैंने, दरअसल वही मिस कर दिया था मूंगफली। बट मैंने कहा सुबह सुबह जल्दी जल्दी में क्या कर सकते हैं, इतनी जल्दी पड़ी होती है सुबह। तो गाइस कभी कभी इनके लिए पोहा वगैरह बना देती हूँ, उसमें लेमन डाल दिया है। सुबह वैसे वैसा ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं यूजली, लेकिन आज उन्होंने हाँ कर दी थी तो मैंने बना दिया, उसमें नमकीन ऐड कर दी बस, उससे थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा मैंने कहा, क्योंकि मूंगफली डालना भूल गए। चलिए इन्हें दे देते हैं और बाकी काम कर लेते हैं। गाइस देखिए, जिस घर में बच्चे होते हैं स्कूल जाने के बाद उनके घर की हालत होती है, ऐसे खिलौने होते हैं उनके, देखिए इनके सब कुछ यहाँ सजा हुआ है, उनका नीचे सोफे के नीचे चीज़ें उनकी सजी हुई होती हैं, थोड़ी बहुत आइटम उधर भी रखी होती हैं।
अब ये सब उठा के क्लीन करने हैं हमको। चलिए ज़रा सफाई कर लेते हैं। पता नहीं इसकी क्या आदत है, सब कुछ इस टेबल पर आके रख देता है, भगवान जाने उसे क्या मज़ा आता है। गाइस मैंने स्टार्टिंग की सोफे के नीचे से, सोफे के नीचे उन्होंने अपना कुछ पजल वाला रखा हुआ था, और इस टेबल की तो हालत ही ख़राब करे रहता है, सब कुछ बिगड़ा देता है एकदम, ऐसे इधर उधर रख देता है। और गाइस इसके पास अगर आप देखेंगे तो इसके पास जितने भी टॉयज खेलने वाले एक्चुअल में होते हैं ना, उनसे कभी नहीं खेलता, वो भर के रखे रहते हैं कार्टन में, अपने खुद हाथों से वो कुछ नए नए बनाता रहता है, उन्हीं से खेलता है। तो अभी देखो गाइस थोड़ा अभी घर थोड़ा क्लीन क्लीन दिखेगा, जैसे इनके ये उल्टा सीधा चीज़ें ये बना लेते हैं ना, मशीन वशीन डब्बे वब्बे काट काट के बनाते रहते हैं, मशीन बैठे कोई भी चीज़ आप इनको लाके दो वो सब तो तोड़ लेंगे ना, खेलते हैं उनसे। गाइस मैंने कहा किचन में भी क्लीन कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था ना, जो फ्रेंच फ्राइज बनाओ तो तेल पूरा ऐसा ऐसा हो जाता है थोड़ा, तो मैंने कहा चलिए स्लेब भी चमका लेते हैं अपनी और थोड़ा गैस चमका लेते हैं। तो गाइस मेरी तो हैबिट है ऐसे लगभग डेली, मेरी सुबह 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 और नाइट में डेली मैं ऐसे करके ही सोती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ पहले तो रिल डाल के थोड़ा सा स्पॉन्ज में अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, फिर थोड़ा सा वेट क्लोथ लेके दो तीन बार उसको वाइप कर देती हूँ। और फिर गाइस वॉल वगैरह को भी हम थोड़ा बहुत क्लीन करना चाहिए हमको, क्योंकि उस पर भी दाल वाल के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं या ऑयल के पड़ जाते हैं, तो उससे वो क्लीन रहेगा तो उस पर तेल नहीं जमा होगा ज़्यादा। बस गाइस अब एक ड्राई क्लोथ लेके उसके अंदर ऊपर से अच्छे से क्लीन कर दीजिए, चमक गई आपकी स्लेब बिल्कुल। और गाइस मैं नहाने जा रही थी, उससे पहले मैंने कहा लाओ दाल एक काम करते हैं मिक्स दाल बनानी है, चारों पांचों दाल जितनी भी है वो कुकर में डाल के रेडी कर देते हैं, धोने का और सोक करने का काम बाद में करेंगे, पहले ये काम कर देते हैं। तो मैंने इसमें अरहर मूंग उड़द और चना ये चार दालें डाली। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस अभी बज रहे हैं लगभग 12:30, काम ख़त्म होते होते लगभग 12 बज गए थे और नहा लिया अभी मैंने, 12:30 हो गए ऑलमोस्ट, 3:30 तक ये दोनों भी आ जाएंगे डैडी बेटा। और आज गाइस मैंने सोचा अरहर दाल नहीं बनाऊंगी, वैसे तो मेरे बेटे को सिर्फ अरहर दाल ही खानी होती है, आज उसको बुद्धू बना के ना मिक्स दाल खिलाएंगे, क्योंकि गाइस मेरा गला जब खराब होता है ना, तो अगर आप मिक्स दाल बनाओ ना तो उसको आप ऐसे सूप की तरह पियो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अरहर दाल मैं खाली नहीं खाती हूँ, बट मिक्स दाल में बहुत मेरे को अच्छा लगता है, अगर मैं केवल उसको ऐसे सूप की तरह पीऊँ ना। इनफैक्ट कल हस्बैंड का भी गले में कुछ रात को लगता है हवा वगैरह लग गई, तो उनके भी गले में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो गैस में वो मुझसे बोले कि क्या बनाएगा, तो मैंने कहा कि तुम्हारा गला खराब है मेरा भी गला खराब है, तो मैंने मिक्स दाल बनाने की सोची है, क्योंकि मिक्स दाल ना अपन लोग ऐसा सूप की तरह पी लेंगे तो कुछ आराम पड़ जाएगा। और बेटू तो बिल्कुल नहीं खाता कोई भी और दाल, नहीं उसको पसंद अदर देन अरहर, अरहर की ही खाता है बस। तो चलिए गाइस ज़रा दाल वाल रेडी कर लेते हैं, क्योंकि नहाने से पहले मैंने कुकर में सारी दालें डाल के रेडी कर दी थी, मतलब सारी कुकर में डाल दी थी, अब उनको वॉश करना है, फिर थोड़ा देर लगभग थोड़ा फॉर 20 मिनट्स उनको पानी में सोक करेंगे, तब तक चावल वावल बना लेंगे, उसके बाद फिर दाल बनाएंगे और फिर छुट्टी हमारी। चलिए ज़रा गाइस दाल बना लेते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। गाइस काफ़ी दिनों बाद हम मिक्स दाल बनाने जा रहे हैं, तो गैस ऑन कर दी है, सारी दालें वॉश कर दी हैं, गैस पे चढ़ा दिया, और एक तरफ हम टोमेटो चॉप कर रहे हैं, और जैसे ही झाग जैसे निकला उसको निकालने के बाद सारे टोमेटो ऐड कर दिए उसके अंदर, क्योंकि गैस ये झाग बिल्कुल भी नहीं खाना है, इसको आपको भी ध्यान रखना है कि निकाल देना टाइम से। और गैस कड़ी पत्ता और सारे मसाले हरी मिर्च धनिया नमक ये सब डाल के कुकर कर दिया बंद, और मैंने इसमें लगभग 10-12 सीटियाँ लगाई थी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है मिक्स दाल बनने में, क्योंकि चना दाल थोड़ा टाइम लेती है। गाइस सीटियाँ हमारी लग गई हैं 10-12, अब चलिए तड़का बना लेते हैं। मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है, मस्टर्ड सीड्स डाल दिए हैं, जीरा डाल दिया है, अब हमारा प्याज लहसुन और अदरक। गाइस इसमें अदरक थोड़ा बड़ा बड़ा काटना चाहिए और थोड़ा हल्का सा लहसुन भी बड़ा बड़ा रखना चाहिए, जिससे क्या है उसका फ्लेवर ही अलग आता है बिल्कुल। गाइस हमारी दाल बिल्कुल बन चुकी है, तड़का भी रेडी हो चुका है बिल्कुल, इन दोनों को पलट देते हैं, दाल वगैरह रेडी है। चावल गाइस मैंने पहले ही बना लिए थे। हेलो गाइस गुड इवनिंग। गाइस मैं अभी थोड़ा सो गई थी, एक्चुअली लंच किया हम लोगों ने लगभग 4 बज गए लंच करते करते, हस्बैंड आए 3:30 बजे, उनको लंच दिया, लंच हम लोगों ने किया लगभग 4 बज गए लंच करते करते, फिर इन्होंने कहा कि अब मैं तो जा रहा हूँ, ये लगभग 5 बजे चले गए थे। वैसे तो खाना वाना खा के हमने थोड़ी देर बातें बातें करी, थोड़े टिकटॉक वीडियोज देखे, आजकल वो मेरे साथ टिकटॉक वीडियोज देख लेते हैं,
थोड़ी टिकटॉक वीडियो देखी, फिर उन्होंने कहा क्या करना है, तो ये सोना है या क्या करना है? मैंने कहा हाँ मैं थक गया हूँ बहुत, मेरे को सोना है। तो उन्होंने कहा चल ठीक है सो जाइए तू, मैं तो जा रहा हूँ पेशेंट देखने। वो तो पेशेंट देखने गए और अभी गए लगभग 6:30 का टाइम हो रहा है, कपड़े सूख गए थे तो बाहर से उतार के लाए और ये जींस मेरा पड़ा था उस कमरे में। मैंने कहा ये फोल्ड करके रख देते हैं। गाइस दाल इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी। इनफैक्ट मैंने दाल बहुत दिनों बाद मिक्स दाल बनाई, क्योंकि मेरा बेटा बनाने नहीं देता है, तो मिक्स दाल का नंबर आज मेरे को तो लग रहा है 4-5 महीने बाद लगा है। नहीं तो मेरे घर में सिर्फ अरहर दाल बनती है, सिर्फ उसकी वजह से, क्या करें। बट आज मैंने उसको बना के ऐसे मतलब बुद्धू उद्दू बना दिया, हालांकि उसको कोई बुद्धू बना नहीं सकता है। कमरे में घुसते ही मतलब जब वो एंटर किया घर पे स्कूल के बाद, तो एंटर करते ही उसने बोला आज आपने अरहर की दाल नहीं बनाई क्या, कौन सी दाल बनाई है? मैंने कहा क्यों आपको कैसे पता? बोलते नहीं मुझे खुशबू नहीं आ रही अरहर की दाल की। मैंने कहा इसकी नाक है? गाइस उसकी नाक इतनी तगड़ी है, राजमा तहरी कोई भी अदर चीज आप बना दो उसको खुशबू तुरंत लग जाती है। और कहता है मम्मा आपने आज क्या बनाया है? अगर मैं बोलूं कुछ झूठ बोल भी दूं ना तो झूठ बोलने नहीं, ज्यादा देर बोल भी नहीं सकते, उसको सब पता चलता है। एक दिन एंटर किया घर पे, मैंने उसको बोल दिया बेटे आज मैंने बनाई है अरहर दाल, जबकि मैंने बनाया था राजमा। तो कहता है फिर रोने लगा आपने तो राजमा बना के रख दिया है। मैंने कहा है? मैंने कहा नहीं तो राजमा नहीं बनाया है। बोलता है नहीं राजमा बनाया है आपने। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? कहते हैं मेरे को खुशबू आ रही है। गाइस उसकी नाक है, इतनी तगड़ी नाक है उसकी। मैंने कहा हाँ बेटे आज मैंने राजमा बनाया है। तो मैंने कहा आज राजमा ही खा लो। तो बहुत हमें डांट रहे हैं कि राजमा तो बदी होता है। मैंने कहा बदी नहीं बादी बोलते हैं उसको, पर उसने वो बदी वर्ड पता नहीं कहाँ से बादी वर्ड सुन लिया तो उसको बदी बदी बोल रहा था। एक दिन मैंने उसको अरहर की दाल बनाई तो बुद्धू बनाने के लिए, मैंने कहा चलो देखते हैं इनको इनका कैसा रिएक्शन रहेगा। बेटू आज मैंने अरहर दाल नहीं बनाई क्योंकि अरहर दाल खत्म हो गई थी, तो मैं राजमा बना दिया है। तो बेटे आज प्लीज आप राजमा ही खा लो, उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं मैं आपके लिए कल बनाऊंगी अरहर दाल। तो पता है तो कहता है खुशबू तो नहीं लग रही राजमा वाली, खुशबू तो अरहर दाल की लग रही है। मैंने कहा अरे, और ये और मैं एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहते हैं। मैंने कहा यार ये इतना तो क्या बोले इसका दिमाग का। तो तहरी उन्हें बड़ा पसंद है, येलो वाला जो होता है ना सारे वो जो सारा जो डालते हैं क्या कहते हैं गाजर वगैरह वो सब डाल के बनाओ, उन्हें बड़ी पसंद है। पुलाव बनाओ नहीं पसंद है, पुलाव और तहरी में डिफरेंस करना भी आता है उनको, आप उनको पागल बना के नहीं खिला सकते हो। और गाइस आज दाल में ऐसे तो टेस्ट बहुत अच्छा था, इनफैक्ट कड़ी पत्ते का तो गाइस इसमें इतना फ्लेवर आता है कि पूछो ही मत। बस उसको दाल के टाइम जब आप दाल बनने रख रहे हैं तभी ऐड कर दे तो उसका टेस्ट ही अलग होगा, बहुत अमेजिंग लगती है। इनफैक्ट उसको मैंने सूप की तरह 2 कटोरी पी डाला, इन्होंने भी लगभग 1 कटोरी दाल पी थी और थोड़ा दाल चावल खाया था। मैंने तो दाल चावल खाया भी नहीं, मैं तो सिर्फ कोई खा, मैंने तो बस दाल पी है 2 कटोरी, मेरा पेट भर गया। बट अभी मुझे गैस कुछ भूख जैसी भी लग रही है, और अभी उनका फोन भी आ रहा था, बोला था कि तूने दोपहर में खाना नहीं खाया, कुछ खा ले कुछ पी ले, बड़ी चिंता रहती है। हमने कहा तुम टेंशन मत लो, हम खा लेंगे हम पी लेंगे। तो गैस अभी हम सोच रहे क्या बनाए, छोटा मोटा भूख में तो फिर वही है। मैंने कहा चाय पीने की तो इच्छा नहीं कर रही है चाय, क्योंकि मैंने मेरे को ऐसा लगता है जैसे चाय की मुझे लत सी लग रही है, चाय ना इतना ज्यादा पीऊंगी ना तो फिर मेरे को बहुत बुरी वाली आदत पड़ जाएगी चाय की। तो मैंने उन्होंने कहा कि तो फिर क्या पिएगी, उन्होंने मेरे को बोला कि चाय वाय कुछ बना के पी ले कुछ गले में आराम पड़ेगा तेरे, बट मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीना। तो मैं वही सोच रही गाइस मैं चाय तो पीने की इच्छा नहीं कर रही, क्योंकि चाय पी लो ना आजकल मुझे नींद वैसे भी बहुत लेट आती है रातों में, कुछ चाय पी लो ना तो और भी ज्यादा बुरी हालत होती है फिर, तो चाय पी लो तो और ज्यादा नींद नहीं आती फिर। तो मैंने वही सोचा कि चाय तो नहीं पीऊंगी, मैं सोच रही सूप पी लूं बना के। तो गाइस चलिए आप लोग भी मेरे साथ किचन में चलिए, कपड़े तो हमारे हो गए टाइडी, सूप बना के पी लेते हैं, गले में देखो आराम भी पड़ जाएगा और नींद का भी चक्कर नहीं रहेगा। और गाइस यहाँ पे एक जगह है, जब हम वहाँ पे जाते हैं ना कुछ खाने पीने, वहाँ की चाय मेरे को इतनी अच्छी लगती है, अगर रात के 10 बजे भी हम वहाँ गए ना खाने पीने तो मैं चाय जरूर लेती हूँ। हालांकि हस्बैंड मना करते हैं कि चाय मत पी, चाय पी लेगी ना तो फिर तेरे को क्या कहते हैं नींद नहीं आएगी रात में, बट मैं नहीं मानती उनकी, मैं कहती हूँ नहीं मेरे को आ जाएगी नींद, हालांकि नहीं आती फिर, वो बिल्कुल सही बोल रहे होते हैं उस समय, पर मैंने उनकी सुनी ना होती है। चलिए हमारे कपड़े धो गए टाइडी, अब चलते हैं किचन विच, खावेंगे चल के कुछ बढ़ा के, मतलब पीवेंगे चल के कुछ, पीवेंगे क्या पिएंगे सूप बना के।
चलिए गाइस आप लोग को चलिए मेरे साथ किचन में, आप लोग को भी पिलाते हैं सूप, फिर बताना कैसा बना है। हालांकि नॉर सूप बनाना है उसमें कैसा ना कैसा क्या, क्योंकि वो तो भाई कोई हम तो उसमें कुछ मेहनत करनी है, हमें उसे पानी ऐड करना है। चलिए जरा इनको रख देते हैं। चलिए गाइस मैंने पैन चढ़ा दिया है, पानी ऐड कर दिया है, अपना मसाला डाल दिया लगभग 2 टेबल स्पून डाल दिया, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया अपना सॉस, टोमेटो सॉस। और गाइस मुझे नॉर के सिर्फ टोमेटो वाले फ्लेवर्स ही अच्छे लगते हैं तो वही लाती हूँ हमेशा। और गाइस मैंने इसमें चिली और थोड़ा सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, अगर आपके पास नींबू है तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं, चटनी वगैरह सब ऐड कर सकते हैं, उससे फ्लेवर अच्छा हो जाता है। हमारा सूप बन गया गाइस, मैंने बेटे के लिए थोड़ा सा रख लिया था कटोरी में, लगा सोचा था खा लेगा शायद। उधर से देख रहे हो क्या? क्या हो गया क्या गरम? ओ अच्छा धुआं देख रहे हो, गरम टेस्टी है। देखो मैं भूखा कर पिलाऊं? कहाँ जा रहे हो गाइस? उनसे खाया भी नहीं जा रहा है क्योंकि उनके लिए ड्राइंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना बेटे? कह रहे हैं ऐसे भी, वैसे भी मुझे ये चीज ज्यादा पसंद नहीं है। इनको सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है ड्राइंग करने में। फिनिश कर दो, ठंडा हो गया थोड़ा सा ही तो है, फिनिश कर दो। इसको पीने से स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटे। वो तो मेरे घर में भी नींबू खत्म हो गया था, वरना इसमें नींबू ऐड करते तो और मजा आता। और इनफैक्ट मेरे ना फ्रिज में चटनी होती है तो चटनी भी डाल देती तो और अच्छा लगता है, बट वही चटनी भी नहीं थी तो सिर्फ नमकीन डाल दी, थोड़ा चाट मसाला डाल दी। टीवी में कोई ड्राइंग लगी हुई है वही देख के बना रहे हैं, इसीलिए नहीं खा रहे हैं। हेलो बेटू, गाइस अभी मेरे को डिनर भी बनाना है सुबह की। वैसे तो दोपहर में दाल बन गई थी, मिक्स दाल बनाई थी तो वो रखी हुई है थोड़ी, और भिंडी बना लेते हैं और डो लगा लेते हैं। ज्यादा खाना नहीं बनाना है, सिर्फ भिंडी बनानी है, रोटी बनानी है और खाना हो गया हमारा। चलिए गाइस आपसे डिनर की बात मिलेंगे फिर। फिलहाल तो इनको पटापट के खिलाना पड़ेगा। खा लो बेटे, इतना यम्मी बना है पता है। वो मैंने टेस्ट नहीं कर, मैंने वो टेस्ट कर लिया, कहीं नहीं है मतलब टेस्ट ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक, कोई बात मत खाओ, हम जरा अपना सूप फिनिश कर दे, वैसे तो बहुत गर्म है, टाइम लगेगा, फिर डिनर विनर बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से डिनर विनर करके। ठीक है गाइस, चलिए आप लोग इंतजार कीजिए फिर तब तक। गाइस टाइम हो रहा था लगभग 8:30, मैंने कहा चलिए खाना बना लेते हैं, सब्जी बनानी थी सिर्फ। गाइस मैंने इसमें ऑयल डाला है कढ़ाई में, जैसे तेल गर्म हो गया मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया, सारे चॉप्ड ऑनियन, गार्लिक, ग्रीन चिली ये सब डाल दिया उसमें। अब उसको चलाएंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक, प्याज लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे अपनी भिंडी सारी। और गाइस मेरा बेटा नहीं खाता है भिंडी तो उसमें मैंने थोड़ा लंबे लंबे काट के आलू भी ऐड करने के लिए सोचा था, तो आलू ऐड कर देते हैं। अब डालते हैं इसमें अपने मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ये सब हमको डालना है। गाइस आप चाहें तो थोड़ा खट्टा करने के लिए आमचूर डाल सकते हैं, बट मुझे भिंडी में खट्टा नहीं पसंद है तो मैं नहीं डालती हूँ। अब इसे कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। लगभग 2 मिनट मिक्स करने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया, एक साइड कवर करके रख दिया और अपना डो लगा लिया, सो दैट हमारा खाना वाना टाइम पे बन जाए। तो मैंने एक तरफ आटा भी रेडी कर दिया। गाइस मैंने लगभग भिंडी आधा घंटा सिम गैस पे बनाई थी, चेक कर लेते हैं बनी कि नहीं बनी, ओपन करके देख लेते हैं एक बार उसको। आटा तो हमारा लग चुका है गाइस, भिंडी हमारी रेडी है, डिनर एकदम रेडी है। गाइस 10:30 का टाइम हो रहा है लगभग,
अभी अभी हमारा डिनर खत्म हुआ है और हमारे व्लॉग एंड करने का भी हो गया टाइम। अब गाइस मुझे कपड़े चेंज करने पड़ गए, मेरे बेटे ने सूप गिरा दिया मेरे ऊपर। बेटे ने क्या, वो एक्चुअल में उसको खिला रही थी, जबरदस्ती उसके मुंह में देने की कोशिश करी, ऐसे कर दिया, मेरे ऊपर ही आ गया वो। और गाइस आप लोग का डिनर वगैरह हो गया कि नहीं? मैं तो सोच रही हूँ अभी एक दो टिकटॉक वीडियो भी शूट कर लूँ, क्योंकि मेरे को उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता अलग से, बहुत बिजी हो गई लाइफ, टिकटॉक वीडियोस भी बनाने पड़ते हैं कभी कभी। देखो बनाते हैं और आप लोगों से मिलेंगे कल हम। आज मेरे को गाइस इतनी ज़्यादा थकान हुई है पूछो मत, पूरा दिन इतना काम इतना काम। अब इसकी एडिटिंग करनी है, 10:30 गाइस हो रहा है लगभग। एडिटिंग में कितना टाइम लगे पता नहीं। चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाज़त, सायोनारा।